माकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेकर हो रही है। देखिए शेर सिंह डागर जी, अगर आपने देखा होगा वीडियो, तो उसी दौरान वो अपने सीनियर किसी से बात कर रहे हैं और सीनियर किसी से बात कर रहे हैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में, अपनी हाई कमांड से। तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि वो हाई कमांड कौन है जिनसे शेर सिंह डागर आगे उनके सामने बात कर रहे हैं। और 4 करोड़ रुपए की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है कि कोई भी व्यक्ति उसको किसी भी तरीके से ऑफर कर सके। फिर शेर सिंह डागर सब लोग जानते हैं जो दिल्ली की राजनीति से वाकिफ हैं। शेर सिंह डागर उनके बीजेपी के दिल्ली के उपाध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नेता हैं। हम सबके सब लोग जानते हैं शेर सिंह डागर स्टूडेंट्स यूनियन के दिनों से नेता रहे हैं और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। तो ये कोई कहे कि शेर सिंह डागर सीनियर लीडर नहीं है, तो शेर सिंह डागर हम सब लोग जो दिल्ली की राजनीति से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि वो कितने वरिष्ठ नेता हैं। और उन्होंने मीटिंग के दौरान फोन के ऊपर अपने हाईकमांड से बात कर ली वहाँ पर। और फिर अभी 2-3 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि हम लोग सरकार दिल्ली के अंदर बना सकते हैं। तो जब उन्होंने 2-3 दिन पहले ये कहा है कि हम सरकार बना सकते हैं, तो आज देश की जनता ने देख लिया है कि किस प्रकार से वो सरकार बनाने जा रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि उनकी दिल्ली के अंदर मेजॉरिटी नहीं है। तो इसी वजह से जनता के साथ में, जनता की सोच के साथ में ये विश्वासघात है, अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर इससे बड़ा कठोराघात नहीं हो सकता जो आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरी देश के सामने देखा है। देखिए बिल्कुल कांग्रेस के सभी हमारे विधायक, मेरी इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह जी से भी बात हुई है, वो सब विधायकों के साथ में संपर्क में हैं। कांग्रेस का कोई विधायक कहीं पर भी किसी भी तरीके से नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन करेगा। और आज के इस वीडियो को भी देख करके ये साबित हो गया है कि केवल आम आदमी पार्टी के ही विधायकों को बीजेपी तोड़ करके ले जाने के फिराक में है, जो कि इसके आज इस बात से इस वीडियो के अंदर भी एकदम साफ झलकता है। तो ये बीजेपी जिस प्रकार से खरीद फरोख्त करके जिस तरीके से दिल्ली की सरकार बनाना चाहती है, MLAs की कीमत तय करी जा रही है और MLAs की कीमत तय करके उनको खरीदा जा रहा है सरकार बनाने के लिए, ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का, खास तौर के ऊपर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के 3 दिन के बाद ही उनका असली चेहरा ये जनता के सामने आया। देखिए बीजेपी क्या करेगी ये तो बीजेपी बता सकती है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेगी तो कांग्रेस सड़क करके के ऊपर आकर के बीजेपी से लड़ाई लड़ेगी और बीजेपी की सरकार से लड़ाई लड़ेगी। नो बट सिंस द मैटर इज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू सबमिट अ रिप्लाई बिफोर इट whether it wants to go in for fresh elections or whether it is offering any party to form the government in Delhi. So the matter is seized before the Supreme Court. And if the government goes to the Supreme Court and tells tomorrow that the BJP is ready to form the government, then Supreme Court should understand, take cognizance of this tape, what has happened in Delhi yesterday, and it clearly...